अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हमने तवातुर क्या होता है इसको अच्छे से समझा था। अब हम इसको मजीद एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं नौ का पहाड़ा लिखा हुआ है, नौ के बाद 18 फिर 27, इस तरतीब से नीचे तक लिखा हुआ है। इसमें हम एक तवातुर को तलाश करते हैं। नौ के बाद जब आप देखेंगे 18 तो वहां पर दहाई के मकाम पर एक है, उसके बाद 27 दहाई के मकाम पे दो है। इसी तरतीब से आप देखते चले जाइए तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, फिर आठ, फिर नौ। फिर नौ के बाजू में देखें तो सिफर है, नौवत। और फिर इसी तरतीब को ऊपर की जानिब ले जाते हैं तो सिफर के बाद ऊपर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, फिर नौ। इसी को नौ के पहाड़े का जरबी तवातुर कहेंगे। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके पर इस पर मबनी बहुत सारे मिसालें दी गई हैं और सवाल व जवाब दिए गए हैं। उम्मीद है आप हल करेंगे। शुक्रिया।